सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मंडे हिंदी ग्रामर की क्लास में आप सबका स्वागत है। मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको लेटर्स के बारे में बताया था, पत्रों के बारे में बताया था। मैंने बताया था कि पत्र एक कला है, जिस तरह हम ड्राइंग करते हैं, हम पेंटिंग करते हैं और अपनी पेंटिंग्स को बहुत सुंदर बनाते हैं, कभी रंगों की सहायता से, कभी कल्पनाओं की सहायता से। वैसे ही लेटर्स होते हैं जो हमारी कल्पना को कलम की सहायता से कागज़ पर उतारती है। मैंने आपको बताया था पत्र दो तरह के होते हैं, एक औपचारिक होता है, दूसरा अनौपचारिक होता है। मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको अनौपचारिक पत्रों के बारे में बताया था और एक एग्जाम्पल भी दिया था। मुझे उम्मीद है आपको वो बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा और ज़रूर आपने अपने किसी मित्र को एक प्यारा सा पत्र लिखा होगा। मुझे इंतज़ार है आपके कमेंट्स का, आपके फीडबैक्स का। कमेंट बॉक्स में लिखिए आपको मेरा पिछला वीडियो कितना समझ में आया और आपने किसको पत्र लिखा। चलिए आज हम आपको बताएंगे औपचारिक पत्रों के बारे में, मगर उससे पहले आपने अपना ये फेवरेट चैनल सब्सक्राइब तो कर लिया ना? अगर नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन का बटन ज़रूर दबाइएगा, जिससे जब मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। और एक और बहुत इम्पॉर्टेंट बात, पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। ग्रामर की चीज़ें समझने वाली होती हैं। अगर आपको एक बार अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा तो कभी भी कोई गलती नहीं होगी। ये लेटर वाला क्वेश्चन जो होता है, पत्र लिखो वाला क्वेश्चन जो होता है, ये 5 नंबर का आता है। बस थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत होती है, उसका फॉर्मेट अच्छी तरह से समझ लीजिए। चलिए आज हम शुरू करते हैं औपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र जो होते हैं, इसका अपना एक फॉर्मेट होता है, लिखने का एक तरीका होता है और आपके सारे नंबर, बल्कि आधे से ज़्यादा नंबर फॉर्मेट पर डिपेंड करते हैं। इसमें जो विशेष रूप से पत्र होते हैं, प्रार्थना पत्र होता है, शिकायत पत्र होता है, आवेदन पत्र होता है, व्यवसायिक पत्र होता है, संपादक पत्र होता है, कार्यालयी पत्र होता है, विभिन्न विभागों के नाम के पत्र होते हैं, सरकारी पत्र होते हैं और अर्ध सरकारी पत्र होते हैं। पहला है हमारा टॉपिक आज का प्रार्थना पत्र। प्रार्थना पत्र क्या होता है? प्रार्थना का मतलब होता है जब हम किसी से कोई रिक्वेस्ट करते हैं। ये ऑफिशियल लेटर है, आप लोग छात्र हैं, हम अपने स्कूल के बारे में बात करेंगे यहाँ पे कि हम अपने प्रिंसिपल को कैसे रिक्वेस्ट करते हैं। अभी तक आपने पढ़ा होगा लीव लेटर्स के बारे में कि अपने प्रधानाचार्य को 2 दिन के अवकाश हेतु पत्र लिखो। आज मैं आपको, फॉर्मेट वही है मगर थोड़ा सा मैंने टॉपिक को ट्विस्ट किया है। आज मैं आपको बता रही हूँ कि आप अपने प्रिंसिपल को किसी और काम के लिए यहाँ पत्र लिख रहे हैं। पहले आप इसका फॉर्मेट देखिए। पहला ब्लॉक आपके सामने है जहाँ पे लिखा है क ख ग विद्यालय, जहाँ पर कि आप अपने स्कूल का नाम लिखते हैं क्योंकि आप अपने प्रिंसिपल को लेटर लिख रहे हैं। दूसरा है जगह का नाम, कहाँ पर आपका विद्यालय या स्कूल या कॉलेज है, उस जगह का नाम, जैसे दिल्ली है, आगरा है, कोई भी जगह का नाम लिखना होता है। तीसरा इम्पोर्टेंट होता है विषय। विषय लेटर का एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है जो कि आपके लेटर को बताता है। बिना पढ़े हुए अगर हमने वो विषय पढ़ लिया तो हमको पता चल जाता है किस विषय पर पत्र लिखा गया है। जैसे अगर लीव के लिए, छुट्टी के लिए पत्र होता है तो हम बोलते हैं अवकाश हेतु, 2 दिन के अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र, या किसी सहायता के लिए होता है तो हम कहते हैं सहायता हेतु प्रार्थना पत्र। तो हमको थोड़ा सा जो आपका लेटर पढ़ता है उसको समझ में आ जाता है। नेक्स्ट पार्ट होता है जो लेटर का मुख्य विषय होता है, कि हमने तो टॉपिक दे दिया, फर्स्ट हुआ स्टार्टिंग पार्ट, सेकंड होता है मिडिल पार्ट, जो लेटर का मेन हिस्सा होता है, जिसको कि इंग्लिश में कहते हैं बॉडी ऑफ द लेटर। तो बॉडी ऑफ द लेटर जब ऑफिशियल लेटर लिखा जाता है तो उसमें इम्पोर्टेंट होता है कम टू द पॉइंट, फालतू की बातें नहीं लिखी जाती, जो जरूरी होता है
हम सिर्फ उतना ही लिखते हैं और कम से कम शब्दों में जल्दी से जल्दी अपनी बात बताना चाहते हैं, इसलिए कम टू द पॉइंट वाली बात होती है यहाँ पर। ठीक, थर्ड पार्ट होता है लेटर का कि लेटर की एंडिंग कैसे होती है। आपके सामने यहाँ पर चार बॉक्सेस आ रहे हैं। फर्स्ट वाले में जो भी छात्र होता है या छात्रा होती है वो अपना नाम लिखता है। सेकेंड वाले में कौन सी क्लास का बच्चा है वो लिखा जाता है। थर्ड वाले में अनुक्रमांक का मतलब होता है रोल नंबर, कि कभी कभी एक ही नाम के दो बच्चे होते हैं या तीन बच्चे होते हैं, फिर उनके रोल नंबर से हम उनको आइडेंटिफाई करते हैं, पहचानते हैं, तो इसलिए थर्ड में रोल नंबर लिखना भी बहुत ज़रूरी होता है। फोर्थ वाला जो बॉक्स है उसमें तारीख लिखी जाती है, डेट लिखी जाती है। तो ये सब चीज़ें एक फॉर्मेट मैंने आपको बताया कि क्या क्या इंपॉर्टेंट होता है। फर्स्ट होता है लेटर की स्टार्टिंग कैसे हो रही है, सेकेंड लेटर की बॉडी क्या है, थर्ड लेटर की एंडिंग क्या है। जब हम ऑफिशियल लेटर लिखते हैं तो लिखते समय हमको कुछ बातों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। जैसे कि हम जब लेटर लिख रहे हैं तो ज़्यादातर अपने से बड़ों को ही लिखते हैं ऑफिशियल, उसमें तो हमेशा हर बात बहुत सम्मान पूर्वक कही जानी चाहिए, बहुत ही रिस्पेक्टेबल वे में बोलना चाहिए और लिखना चाहिए। कहते हैं जैसा आप सोचते हैं वैसा आप लिखते हैं। और एक और बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि ग्रैटिट्यूड वाली, कृतज्ञता वाली, कि थैंकिंग यू या धन्यवाद, इसको कहते हैं कृतज्ञता, और इंग्लिश में कहते हैं ग्रैटिट्यूड, कि हमारा आपने काम किया या हमें उम्मीद है आप मेरा काम कर देंगे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, तो हम पहले ही थैंकफुल हो जाते हैं। ये तो हुई कुछ इम्पॉर्टेंट बातें लेटर लिखने से पहले, और मैं आपको एक एग्जांपल भी दे रही हूँ कि कैसे लेटर लिखा जाता है। यहाँ पे हमारा प्रश्न है कि प्रधानाचार्य को फीस माफ़ी के लिए एक प्रार्थना पत्र लिखिए। फीस माफ़ी का मतलब होता है जो कि हमारी स्कूल की फ़ीस होती है, ट्यूशन फीस होती है स्कूल में, तो अगर हम प्रिंसिपल को बताते हैं कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, कुछ हमारे घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, तो बच्चों की फीस बहुत बार स्कूल माफ़ कर देता है या कॉलेज माफ़ कर देता है। चलिए हम लेटर लिख रहे हैं, आप ज़रा ध्यान से देखिए इसको। फर्स्ट पार्ट जो लेटर का होगा, हम प्रिंसिपल को लिख रहे हैं, तो जैसे हम इंग्लिश में लिखते हैं टू, हिंदी में लिखते हैं सेवा में, और प्रधानाचार्य को लिख रहे हैं तो प्रधानाचार्य लिख रहे हैं, प्रिंसिपल को इंग्लिश में प्रिंसिपल और हिंदी में उसको प्रधानाचार्य कहते हैं। मैंने बताया था आपको अपने स्कूल का नाम लिखना, तो यहाँ पे हमने लिखा है केंद्रीय विद्यालय, मतलब सेंट्रल स्कूल, और जगह का नाम हमने कल्पना करिए कि ईटानगर से हम पढ़ते हैं, और आप जिस भी शहर में रहते हैं आप उसका नाम लिख सकते हैं। विषय, हमारा प्रश्न था प्रधानाचार्य को फीस माफ़ी के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए, तो हमने उसको और छोटा कर दिया, यहाँ लिखा है विषय आर्थिक सहायता हेतु प्रार्थना पत्र। ये तो हुआ लेटर का स्टार्टिंग पार्ट। नेक्स्ट देखिए जो लेटर की बॉडी होती है, मैंने यहाँ पे लिखा है महोदय ऑब्लिक महोदया। बहुत बार प्रिंसिपल लेडी भी होती है और प्रिंसिपल जेंट्स भी होता है, हालांकि हमें पता होता है कि हमारा प्रिंसिपल कौन है, कोई लेडी है या कोई जेंट्स है, कोई महिला है या कोई पुरुष है, तो अगर महिला होती है तो हम उनके लिए महोदया लिखते हैं, और अगर कोई पुरुष होता है तो महोदय लिखते हैं। देखिए कृतज्ञता से ही हमने शुरू किया है। सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय में कक्षा 8 ब का छात्र हूँ। कक्षा 8 माने 8th स्टैंडर्ड। आपके स्कूल में सेक्शंस होते हैं ए बी सी डी, बहुत सारे आजकल तो सेक्शन होते हैं, तो यहाँ बी सेक्शन का बच्चा लिख रहा है ये पत्र। गत वर्ष व्यापार में भारी नुकसान होने के कारण हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, जिसके कारण पिछले वर्ष मेरा मासिक शुल्क कम कर दिया गया था। आपसे निवेदन है कि इस वर्ष भी मेरा मासिक शुल्क कम कर दें ताकि मैं अपनी पढ़ाई जारी रख सकूं। गत वर्ष 90% अंक लाकर विद्यालय के अग्रणी 10 छात्रों में स्थान प्राप्त किया था। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस वर्ष भी अपनी मेहनत से अपना स्थान बनाए रखूंगा। देखिए यहाँ पर हमने आर्थिक सहायता मांगी है तो हमको कारण बताना होता है, तो यहाँ बताया है कि हमारे
पिछले वर्ष हमारे व्यापार में बहुत नुकसान हो गया था, व्यापार मतलब बिजनेस में, और लास्ट ईयर बहुत नुकसान हो गया था जिसकी वजह से हमारी मासिक शुल्क माने मंथली फीस जो थी वो कम कर दी गई थी। तो उसके लिए ही जो स्टूडेंट है, जो छात्र है, अपने प्रिंसिपल से रिक्वेस्ट कर रहा है कि इस बार भी मेरी फीस कम कर दें। जब आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती तो बहुत बार बच्चे पढ़ाई छोड़ देते हैं, काम करने लगते, तो थोड़ा बहुत अगर स्कूल का साथ मिल जाता है, सपोर्ट मिल जाता है, सहायता मिल जाती है, तो बच्चे अपनी पढ़ाई अच्छी कर लेते हैं। और पिछले साल स्कूल ने हमारी मदद करी थी, इसका ये मतलब नहीं होता कि हमको पैसे की सहायता तो मिल गई अब बस ठीक है। उसका ये मतलब होता है हम आपके आभारी हैं, दे पे देयर ग्रैटिट्यूड, और अच्छे नंबर से पास होकर अपने विद्यालय का, अपने स्कूल का नाम रोशन करते हैं। यहाँ पर इस बच्चे ने बताया है कि लास्ट ईयर आपने मेरी मदद करी थी स्कूल ने, और मैं 90% नंबर से पास हुआ और टॉप 10 में मेरा नाम आया था, टॉप 10 बेस्ट स्टूडेंट्स में, जो बच्चे पढ़ने में बहुत अच्छे होते हैं। यहाँ पर ये दोबारा रिक्वेस्ट कर रहा है और ये आश्वासन भी दे रहा है, अपने प्रिंसिपल को विश्वास दिलाता है कि मैं स्कूल का नाम रोशन करूँगा, इसलिए आप मेरी थोड़ी सी मदद कर दीजिए। अब देखिए लेटर की एंडिंग कैसे होती है। सर धन्यवाद, इंग्लिश में कहते हैं थैंकिंग यू, आपका आज्ञाकारी शिष्य। मैंने यहाँ शिष्य लिखा है, अगर लड़की होती है तो शिष्या लिखना चाहिए। छात्र का नाम सोमेश, कक्षा 8B, अनुक्रमांक 678, 678, दिनांक 15 जुलाई 2019। ये तो हुआ आपका एक औपचारिक पत्र। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा अच्छी तरह से। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और अगर आपको कहीं पर कोई डाउट है तो आप जरूर मुझे बताइएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिए, और अगर आप चाहिए तो मुझे पर्सनल मेल भी भेज सकते हैं। मेरी ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखी है। आप इसको जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, जिससे कि आप बार बार बातें करते हैं तो आपको समझ में आएगा और कभी नहीं भूलेगा। लेटर्स, आप चाहे CBSE के स्टूडेंट हैं, ICSE के स्टूडेंट हैं या PU के स्टूडेंट हैं, और चाहे आप डिग्री के स्टूडेंट हैं, ये हमेशा से ही आता है। अभी आपके लिए 5 मार्क्स का आता है, जब आप डिग्री में आ जाते हैं BA BCOM तो 15 मार्क्स का लेटर राइटिंग आता है। इसको ध्यान से इसके फॉर्मेट समझ लीजिए। मैं अपने अगले वीडियो में आपको कुछ डिग्री वाले बच्चों के लिए जो लेटर्स होते हैं उनके बारे में बताऊंगी। तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।